यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं बहनों बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं बहनों बेटियां सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुभद्रा योजना मां और भौणी मानन को सशक्त करू। मां सुभद्रा निकट रे यहा मोर प्रार्थना। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है सुभद्रा योजना को ओडिशा की हर माता बहन बेटी तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में कई यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इसके लिए माताओं बहनों को जागरूक किया जा रहा है, योजना से जुड़ी सारी जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के लाखों कार्यकर्ता भी इस सेवा अभियान में पूरे जोर शोर से जुटे हैं। मैं इस जन जागरण के लिए सरकार प्रशासन के साथ साथ भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद और भाजपा के लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।